रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है? ए प्रीति जिंटा, बी ऐश्वर्या राय, सी दीपिका पादुकोण या डी अमीषा पटेल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के निजी विद्यालय के द्वारा फीस जमा नहीं किए जाने से चार छात्राओं को परीक्षा से किया गया वंचित, लोगों में आक्रोश का माहौल। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे लोगों को निजी विद्यालय के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी काफी परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के नवयुग विद्यालय से जुड़ा है, जहां नवम के कई छात्र छात्राओं को बकाया फीस नहीं दिए जाने के कारण फाइनल परीक्षा में स्कूल प्रशासन के द्वारा शामिल नहीं होने दिया गया। इस दौरान परेशान छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन से परीक्षा दिए जाने की गुहार भी लगाई, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। परीक्षा नहीं दिए जाने से निराश छात्र छात्राएं में छात्रा राश्री ने बताया कि उनके पिता कुवैत में कार्य करते हैं। स्कूल के प्राचार्य को एक दो दिन में बकाया राशि दे देने की बात भी कही गई, लेकिन उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। वहीं अभिभावक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री सपना नवम की छात्रा है और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण परिवार की स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए स्कूल प्रशासन से कुछ दिनों का समय बकाया फी दिए जाने को लेकर कहा गया, लेकिन स्कूल के मनमाने रवैये के कारण आज उनकी बेटी सहित कई छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से परेशान करते हुए परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। नहीं दिया जा रहा है क्योंकि चार महीना का बस फी जमा नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर भी फी एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा क्योंकि पापा बाहर है और आ नहीं सकते स्कूल। बोला गया पापा रहते कहाँ? कुवैत में। और पापा कल बोले कल फी जमा हो जाएगा, तो आज का एग्जाम बोल रहा है कि नहीं देने देंगे अभी। आपका नाम क्या है? राजश्री। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। भागलपुर, नवजात का शव बरामद होने से इलाके में मची सनसनी। भागलपुर के मोजादीपुर थाना क्षेत्र के न्यू बासुकीनाथ कॉलोनी में देर शाम अज्ञात नवजात के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नवजात के शव बरामद होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और ऐसा करने वाली मां को जमकर कोसते नजर आए। स्थानीय अमन कुमार ने कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो संतान के लिए दर दर और डॉक्टर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी और कुछ लोग ऐसा घृणित कार्य कर माँ की ममता को भी शर्मसार कर रहे हैं। पे गिरा हुआ था नवजात बच्चा, आदमी बच्चा के लिए क्या क्या नहीं करता है, देखिए किस तरह से बच्चा को यहाँ पे फेंक दिया गया है, मतलब घर के बगल में। हम लोग को तो पता नहीं कौन क्या किया। क्या लड़का है लड़की है? वो तो लड़की है और उसको कुत्ता सब एकदम गलत तरीके से नोच दिया गया है उसको। क्या नाम? मेरा नाम अमन कुमार झा है, इसी कॉलोनी के हम निवासी हैं, बाबा बासुकीनाथ कॉलोनी के। क्या लगता है जो किया वो तो बहुत गलत किया है, बच्चा के लिए तो आदमी कहाँ कहाँ नहीं जाता है। वो बच्चा का महत्व तो वही बता सकता है जिसको संतान नहीं है। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में अग्निशमन विभाग ने छात्राओं को आपदा से बचाव का किया मॉक ड्रिल। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को अग्निशमन विभाग के द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अग्निशमन विभाग के SI रंजन कुमार सिंह, ASI शंभु कुमार सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र पासवान, धीरज कुमार, मोहन कुमार, जयप्रकाश कुमार राम एवं
राजेश यादव ने विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं को आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी। वहीं मौके पर विद्यालय के निर्देशक राम कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। मौके पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। एक बार फिर गोपालपुर विधायक का नृत्य करते हुए वीडियो हुआ वायरल। एक बार फिर गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल का नृत्य करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि के अवसर पर नवगछिया में आयोजन किया गया था जिसमें विधायक ने भी शिरकत की। शिवरात्रि पर ही आयोजित कार्यक्रम में एक जगह पर ढोल नगाड़े की आवाज पर गोपाल मंडल का ठुमका लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो ताजा है या फिर पुराना इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। वीडियो के बाबत श्री मंडल का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया लेकिन एक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। नवगछिया में 810 एवं रंगरा चौक प्रखंड में 490 बुजुर्ग लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। नवगछिया प्रखंड के साहू पर्वता जमुनिया एवं साहू पर्वता पंचायत में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर शुक्रवार को कुल 810 बुजुर्ग लोगों का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि शुक्रवार को 787 बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य था। लक्ष्य को पूरा करते हुए कुल 810 बुजुर्ग लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण के बाद सभी बुजुर्ग की स्थिति सामान्य है। वहीं रंगरा चौक प्रखंड में तिनटेगा दियारा और जहांगीरपुर बैसी में शुक्रवार को 490 सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन किया गया। तिनटेगा दियारा में डॉक्टर एसबी रानी और उनकी टीम द्वारा किया गया तो जहांगीरपुर बैसी में सदाब हुसैन, डॉक्टर पिंकेश कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक श्वेता कुमारी, धर्मेंद्र कुमार ओझा समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी द्वारा वैक्सीनेशन किया गया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया विकास यादव हत्याकांड मामले में अपराधी कैलाश चौधरी गिरफ्तार। खरीक के निरंजन नगर में छापेमारी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी विकास यादव हत्याकांड मामले में फरार चले अपराधी खरीक थाना क्षेत्र के निरंजन नगर निवासी कैलाश चौधरी को नवगछिया पुलिस टीम ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल 5 गोली बरामद किया है। पुलिस ने उसे निरंजन नगर स्थित घर से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश चौधरी का आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट जैसे कई बड़े बड़े अपराध के मामले में कैलाश चौधरी वांछित रहा है। 22 जनवरी को बीरपुर थाना क्षेत्र के जमालदीपुर के समीप एक बगीचे में हुए विकास यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। विकास यादव हत्याकांड के मामले में कैलाश अभियुक्त था। एक अपराधी है जो मर्डर केस और एससीएसटी केस अन्य कांडों में फरार चल रहा था। ये सूचना मिली कि उन्हें घर पे आया बहुत दिनों के बाद, तो सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना पर एक खरीद टीम बनाया गया और ये लोग अपने छापेमारी उन्होंने किया और घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास सर्च करने पे एक कट्टा, देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस भी मिला है और एक मोबाइल भी मिला है। जो मोबाइल मिला है उस पर हम काम करेंगे कि मोबाइल पे इसका और कोई ग्रुप का मेंबर हो, उनसे और उनसे लिंक हो, हम लोग उसको देखेंगे। साथ ही इस कांड से गिरफ्तार किया गया है, इसमें जेल भेजा जा रहा है, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे ताकि सजा जल्द से जल्द। इसका आपराधिक इतिहास क्या है सर? इनके एक बीरपुर का एक मर्डर केस है और खरी का 2 केस में पहले से ये फरार चल रहा है। इनका मर्डर हुआ था सर?
विकास यादव जमालदीपुर का है ना, नाम लिखा है इस पर, नाम जताइए, नेम किस है, सब तो सब नेम लिखा है, इनाम लिखा, इनाम नहीं, कोई इनाम नहीं, कितने दिन से फरार थे सर? काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिनों से, मैं सोचता हूँ कि लगभग 2 साल से ये फरार चल रहा था। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? घर से, अपने घर से गिरफ्तार हुआ, जेल में गया। पुलिस टीम को इसके लिए जो निश्चित रूप से जो थाना प्रभारी हैं उन्हें मैं नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करूंगा और जो SDPO साहब हैं मैं उनको हिसाब पत्र दूंगा। नवगछिया स्टार प्रचारक बनाए जाने पर खुशी, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बंगाल और आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारक बनाए जाने पर नवगछिया के भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल सहित कई ने बधाई संदेश प्रेषित किया है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया पंचायत चुनाव को लेकर नवगछिया पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू। जिले के 18 अपराधियों के विरुद्ध CCA 3 का भेजा गया प्रस्ताव। नवगछिया पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर नवगछिया पुलिस प्रशासन स्तर से तैयारी तेज कर दी गई है। पंचायत चुनाव में इस बार अपराधियों की एक चलने वाली नहीं है। अपराधियों के मंसूबों को नाकाम कराने एवं अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस क्रम में पुलिस जिले के 18 अपराधियों पर नवगछिया पुलिस द्वारा CCA 3 का प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हर गतिविधि की मॉनिटरिंग SP सुशांत कुमार सरोज स्वयं कर रहे हैं। SP ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध CCA की कार्रवाई की जाएगी। अब तक जिले के 18 अपराधियों पर CCA 3 की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव के अलावा विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व अपराधियों व असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। SP ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर एक रणनीति तैयार की गई है। सभी थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत के दबंग, शराब माफियों एवं जेल से जमानत पर बाहर आए अपराधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डराने धमकाने वाले पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। खरीक में उद्योग की स्थापना कराने को लेकर उद्योग मंत्री से मिली कुमकुम देवी। खरीक में उद्योग लगाने के लिए खरीक के दक्षिण क्षेत्र की जिला पार्षद सह भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुमकुम देवी ने पटना में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की। कुमकुम देवी ने कहा कि लंबे समय से लोगों की मांग को देखते हुए उद्योग स्थापित किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने उद्योग मंत्री से मुलाकात की। जिला परिषद ने कहा कि खरीक में मक्का, केला और लीची का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो दूसरी तरफ उनके क्षेत्र में मिर्जापुरी एक ऐसा गांव है जो कि बुनकरों का गांव है। जिला परिषद ने कहा कि खरीक में कपड़ा उद्योग, मक्का, केला और लीची आधारित उद्योग के स्थापित होने की अपार संभावना है। कुमकुम देवी ने कहा कि उद्योग मंत्री की तरफ से उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य गगन चौधरी भी उपस्थित थे। नवगछिया SDPO ने गोपालपुर थाने का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक निर्देश। SDPO दिलीप कुमार ने शुक्रवार को गोपालपुर थाने का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष, प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक अशोक कुमार को आने वाले पर्व त्योहार व पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर निरोधात्मक कार्रवाई करने, लंबित मामलों का निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व जमानत पर जेल से बाहर आए शातिर अपराधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। वाहन चेकिंग, अवैध शराब हेतु छापेमारी व सड़कों पर गश्ती करने का निर्देश दिया गया। नवगछिया मुरली के शिक्षक को दी गई समारोह पूर्वक विदाई। नवगछिया के रंगरा के मध्य विद्यालय मुरली के सेवानिवृत्त शिक्षक गौतम प्रसाद का विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से गौतम प्रसाद को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजित समारोह में कई वक्ताओं ने संबोधन किया, तो दूसरी तरफ अपने संबोधन में सेवानिवृत्त शिक्षक भावुक हो गए। वहीं मौके पर रंगरा BRC के वरीय साधन से भी मुकेश मंडल समेत विद्यालय परिवार के सदस्यों की मौजूदगी देखी गयी। नवगछिया 7 दिनों से लापता है 27 वर्षीय युवक, अपहरण की आशंका। रंगरा चौक प्रखंड के मदरौनी के शांति बिहार निवासी देवेंद्र प्रसाद सिंह के 27 वर्षीय पुत्र विकास कुमार 7 मार्च को
रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। लगातार विकास का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। घटना की बाबत परिजनों ने शुक्रवार को रंगरा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। परिजनों ने बताया कि वे लोग अपने स्तर से विकास की काफी खोजबीन की है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजन अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हैं। हालांकि परिजनों को विकास का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रंगरा के थाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।